आईफोन की हर एड्स में 9:41 ही क्यों दिखाए जाते हैं? बस एक सेकंड में पूरे यूनिवर्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं? लाइट की स्पीड को अचीव करना हमारे लिए कितना मुश्किल है? पोपाई कार्टून कैरेक्टर की रियल स्टोरी आखिर क्या है? स्कूल बस हमेशा येलो कलर की ही क्यों होती है? वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 33। हमने डायनासोर्स की बहुत सारी कहानियां सुनी हैं, या फिर मूवीज में डायनासोर्स कैसे दिखते थे वो भी जानते हैं, पर क्या आपको पता है कि पूरे दुनिया में किसी को भी नहीं पता कि डायनासोर्स के बॉडी का कलर क्या था? पर मूवीज में बस गेस किया जाता है कि डायनासोर्स बाकी सारे एनिमल्स के जैसे ही दिखते होंगे। नंबर 32, टार्डिग्रेड। ये एक ऐसा जीव है जो डायनासोर से भी पहले से इस धरती पर रहते आ रहे हैं, और दुनिया में हुए 5 एक्सटिंक्शंस जिसमें सारे डायनासोर्स को एक्सटिंक्ट कर दिया था, वैसे 5-5 एक्सटेंशंस को सरवाइव कर चुके हैं। वो 250 डिग्री गर्मी में या फिर 50 डिग्री कोल्ड में भी रह सकते हैं, और आप जहां पे अभी बैठे हो उसके आसपास भी हो सकते हैं, पर वो इतना माइक्रो है कि उसको खाली आंखों से देख ही नहीं सकते। नंबर 31, मिस्टर बीस्ट, जो एक अमेरिकन यूट्यूबर है, वो दुनिया का सबसे पॉपुलर के साथ साथ सबसे ज्यादा कमाने वाला कंटेंट क्रिएटर भी है। उसने 2021 में बस 23 साल की एज में 405 करोड़ रुपए कमाए थे। नंबर 30, यूट्यूब के बारे में एक और फैक्ट है कि यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस को अब तक अपलोड किया जा चुका है, उन सब वीडियोस को अगर आप देखने बैठो तो हजारों सालों से भी ज्यादा लग जाएगा, उसमें से ये वीडियो भी एक है। तो जल्दी से अपने भाई माइंड जेम्स को लाइक कर दो। नंबर 29, दुनिया में एक ऐसा भी एनिमल है जो धूप से बहुत डरता है, और वो है जेलीफिश, क्योंकि उनकी बॉडी 98% पानी से बनी हुई है, और थोड़ी सी गर्मी जेलीफिश को इवेपरेट करने लगता है, मतलब वो धीरे धीरे गैस में कन्वर्ट होने लगते हैं, जैसे पानी को गर्म करने से वो एयर में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर 28, आपने देखा होगा कि स्कूल बस जो होते हैं वो अक्सर येलो कलर में होते हैं, क्योंकि येलो कलर और सारे कलर्स में से ज्यादा जल्दी हमारे आंखों तक पहुंचता है, और डार्क में या फिर फॉग होने से बहुत ज्यादा चमकता है, इसलिए एक्सीडेंट से बचने के लिए येलो कलर ही किया जाता है। नंबर 27, लैम्बोर्गिनी दुनिया की सबसे बेस्ट और स्पोर्ट्स कार्स में से एक है। अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि सबसे पहले लैम्बोर्गिनी एक ट्रैक्टर कंपनी थी, तभी कुछ ऐसा हुआ कि जो फेरारी कंपनी के ओनर है उन्होंने लैम्बोर्गिनी वालों की इंसल्ट कर दी थी, तो बस उनसे बदला लेने के लिए लैम्बोर्गिनी वालों ने खुद की स्पोर्ट्स कार्स बनानी शुरू कर दी। नंबर 26, ये है एक ऑर्गेनिक बेरियल जिसके अंदर किसी के मरने के बाद बॉडी को रखा जाएगा, तो वो कुछ साल बाद पेड़ बन के बाहर आ सकता है। तो हाइपोथेटिकली वो मरा हुआ इंसान एक पेड़ के माध्यम से जीवित हो सकता है, जो कफिन का एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है। नंबर 25, क्या आपको पता है कि पूरे दुनिया में आपके शक्ल जैसे 6 लोग दिखते हैं? पूरे दुनिया में 8 बिलियन लोग रहते हैं, एक प्रोबेबिलिटी लेंगे तो एग्जैक्ट सेम तो नहीं, पर आपके शक्ल के आसपास दिखने वाले लोग 6 लोग होंगे, और 9% चांस है कि आप पूरे लाइफ टाइम में उनमें से एक के साथ मिल भी सकते हो। नंबर 24, कैलाश टेम्पल को बस एक ही पहाड़ के पत्थर को काट के बनाया गया है। उस समय में टेक्नोलॉजी या फिर इंजीनियरिंग इतना एडवांस नहीं था, बस हैमर की मदद से ही इतने सुंदर मंदिर को बनाया गया है, और इस मंदिर को 8th सेंचुरी में करीब 18 साल में बनाया गया है। नंबर 23, चाइना की ग्रेट वॉल के बारे में तो सुना ही होगा, पर आखिर उसकी लंबाई कितनी है? 1984 में 3 दोस्त उसके एक एंड से दूसरे एंड तक गए थे। उनको उस रास्ते को खत्म करने में करीब 510 दिन लग गए, मतलब 1.5 साल से भी ज्यादा। ग्रेट वॉल में जो ब्रिक्स को यूज किया गया है उनको चिपका के रखने के लिए चावल का यूज किया गया है। नंबर 22, सोने के बाद हम अलग अलग सपने देखते हैं, कभी वो बहुत डरावना होता है और कभी सुंदर होता है, पर जब हम मरने का सपना देखते हैं तब हम मरने से पहले ही उठ क्यों जाते हैं? इसका कारण है कि हमारे ब्रेन को पता ही नहीं होता कि मरने के बाद आखिर होता क्या है। हम उसी के बारे में सपने देख सकते हैं जिसके बारे में हमको कुछ पता होता है। नंबर 21, कैनेडा की एक जगह है जहां ग्रेविटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब वहां तुम हवा में उड़ने लगोगे। ऐसा नजारा हम अक्सर स्पेस में देखते हैं, पर अगर स्पेस का फील लेना चाहते हो तो वहां पर तुम जा सकते हो। नंबर 20, रेड बुल का टैगलाइन था इट विल गिव यू विंग्स। एक बार एक आदमी ने रेड बुल के ऊपर केस कर दिया क्योंकि रेड बुल पीने के बाद उसको विंग्स नहीं लगे। शॉक कर देने वाली बात है कि वो कोर्ट में भी जीत गया और लास्ट में कंपनी को $13 मिलियन उस व्यक्ति को डीन पाढ़े। नंबर 19, बस एक सेकंड में पूरे यूनिवर्स से 400 करोड़ स्टार्स सुपरनोवा बन जाते हैं और पूरा गायब हो जाते हैं। बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज को ब्लैक होल निगल जाता है और बस एक सेकंड में अर्थ पे 4 बच्चे जन्म लेते हैं और 2 इंसान मर जाते हैं। हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है वो 1 सेकंड में 3 फीट तक ट्रेवल करता है। जब तक ये फैक्ट खत्म होगा तब तक एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे के 2000 किलोमीटर करीब आ चुकी होगी, जो फ्यूचर में अर्थ से टकराने वाली है। नंबर 18,
क्या हम लाइट की स्पीड में ट्रैवल कर सकते हैं? स्पेस में लाइट की स्पीड होती है 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड और ये इतनी ज्यादा होती है, अगर कोई चीज का मास होगा तो वह कभी भी लाइट की स्पीड को टच भी नहीं कर पाएगा। हवा हमको दिखती नहीं है, पर उसके अंदर होने वाले पार्टिकल्स का भी एक मास होता है, तो आज के टाइम में ये स्पीड हमारे लिए असंभव जैसा है। नंबर 17, वंदना जो नेपाल की रहने वाली है, 5 दिन तक नॉनस्टॉप डांस किया था और वो भी बिना कुछ खाए और सोए, और गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसको आज तक कोई बीट नहीं कर पाया है। नंबर 16, तुमने पोपई कार्टून को तो जरूर देखा होगा, जो सबसे पसंदीदा कार्टून में से एक माना जाता है। उसमें पोपई कैरेक्टर जो था वो रियल लाइफ में एक आदमी से इंस्पायर्ड है जिसका नाम है फ्रैंक, और दिखने में भी वो उसी के जैसा ही दिखता था। नंबर 15, ये है 1955 के समय का एक डिवाइस जिसको उस समय के लोग स्मोक करने में यूज करते थे, और उसमें 10 सिगारेट को एक साथ स्मोक किया जाता था। उस टाइम लोग बहुत ज्यादा स्मोक करते थे। नंबर 14, 2010 अफ्रीका, आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसे मिलता है जो पहले कभी नहीं देखा गया था। ये है एक ह्यूमनॉइड स्कल जो हम ह्यूमंस के स्कल के जैसा दिखता है, पर बनावट बहुत ही अलग है और आज तक उसका ओरिजिन किसी को भी पता नहीं चल पाया है। उनका कहना था कि शायद वो हमारा ही कोई पूर्वज हो। नंबर 13, ये है पूरे दुनिया का सबसे महंगा पेन, जो करीब 65 करोड़ रुपए का है। इस पेन का नाम है टिबाल्डी। इसमें लगाया गया ब्लैक डायमंड इस पेन को इतना एक्सपेंसिव बना देता है, मैं तो स्कूल में 10 रुपये से ज्यादा कभी भी पेन पे खर्च नहीं किया। आखिर तुम्हारे पेन का प्राइस क्या है? नंबर 12, आपको क्या लगता है चांद नहीं होता तो क्या होता? चांद के वजह से एक दिन में 24 घंटे होते हैं, नहीं तो बस 12 घंटे ही होते, और साल में 365 दिन के बदले 1,000 से 1,400 दिन होता, क्योंकि चांद का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के रोटेशन को थोड़ा स्लो कर देता है। जब डायनासोर्स इस धरती पर रहते थे तब एक दिन 24 घंटे के बदले 23 घंटे का होता था। नंबर 11, ये है चिंगयून, जो आज तक का सबसे से ज्यादा साल जीने वाला इंसान है। वो करीब 256 साल तक जिए थे। उनकी पूरी लाइफ टाइम में वो 23 बार शादी कर चुके थे और 200 बच्चों के पेरेंट्स भी हो चुके थे। नंबर 10, अगर रात में 10 बजे के बाद खाते हो तो वेट गेन होने का और हाई ब्लड शुगर होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो डिनर जितना जल्दी करोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आखिर तुम कितने बजे डिनर करते हो? नंबर 9, आपने देखा होगा कि आईफोन की एड्स में टाइम हर बार 9:41 ही होता है। ये इसलिए क्योंकि जब आईफोन का पहला मॉडल स्टीव जॉब्स ने पहली बार लॉन्च किया था तब टाइम था 9:41, और तब से लेके आज तक वही टाइम को आज तक कंपनी यूज कर रही है। आईफोन का एक और मजेदार फैक्ट है कि जो मूवीज में विलन्स होते हैं वो आईफोन को कभी यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि इससे कंपनी की मार्केटिंग में बहुत फर्क पड़ता है। नंबर 8, ये है एक थंडरस्टॉर्म के पिक्चर जो एक प्लेन की विंडो से ली गई है। ये पिक्चर जितनी खूबसूरत लगती है उतनी स्केरी भी है। नंबर 7, हमारा सोलर सिस्टम 225 मिलियन ईयर्स में मिल्की वे गैलेक्सी का एक चक्कर लगाता है, मतलब लास्ट टाइम हम जब इस जगह पे थे तब अर्थ में डायनासोर का जन्म हुआ था। नंबर 6, ग्रीन लेक ऑस्ट्रिया, जहां विंटर में तुमको ड्राई पार्क देखने को मिलेगा पर स्प्रिंग में वो पार्क 10 मीटर पानी से भर जाता है, और ये हर साल होता है। नंबर 5, हम आज पूरे प्लैनेट में जितनी सोलर एनर्जी को यूज कर रहे हैं वो असल में पूरी एनर्जी का 1% भी नहीं है, क्योंकि जितनी भी सोलर एनर्जी अर्थ पे आती है वो 94 बिलियन मेगावाट की है, जिसमें 100 वाट्स के 4,00,000 करोड़ बल्ब्स को जला सकते हैं, और वो भी केवल एक दिन में। तो एक दिन में सोलर एनर्जी अर्थ पे 3,000 साल तक यूज की जा सकती है। नंबर 4, आज तक स्पेस में बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स जा चुके हैं, पर क्या तुमको पता है कि लास्ट टाइम हम कौन से दिन में दुनिया का सारे लोग पृथ्वी में थे? वो दिन है 31 अक्टूबर 2000। उसके बाद से हर दिन कोई ना कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में जरूर रहता है। नंबर 3, हम सोचते हैं कि बस प्लास्टिक पोल्यूशन ही अर्थ के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि प्लास्टिक डिग्रेड होने के लिए 500 साल लेता है, पर ग्लास जो होता है वो 4,000 साल लेता है पूरी तरह से नष्ट होने के लिए। प्लास्टिक इसलिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि प्लास्टिक को जलाने से बहुत ही डेंजरस गैसेस निकलती है, जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही डेंजरस है। नंबर 2, ये है दुनिया का सबसे लंबा हॉर्स, जो एक सायर ब्रीड का है। सायर ब्रीड के हॉर्स दूसरे हॉर्स से ज्यादा लंबे और बड़े होते हैं। इस फोटो को 1959 में खींचा गया था। आखिर लोग इसके ऊपर चढ़ते कैसे होंगे? नंबर 1, हम सबको पता है कि बुगाटी दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार है,
जिसका प्राइस करीब 25 करोड़ रुपए है। गाड़ी का बस एक टायर ही 10 लाख का है, मतलब अगर आप चार टायर्स को खरीदने जाओ तो 40 लाख रुपए पड़ जाएंगे, और जो इंजन ऑयल यूज किया जाता है वो 14 लाख रुपए में आता है। इसलिए ये कार इतनी फास्ट चलती है। किसी इंसान का काटना किसी जानवर के काटने से ज्यादा डेंजर है। हम जो पीनट बटर खाते हैं वो कैसे डायमंड बन सकता है? फिजेट स्पिनर नो ग्रेविटी जोन में कैसे एक्ट करता है? टूथपेस्ट कैसे खतरनाक हो सकता है? स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।